हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी पारा मेडिकल स्टडी चैनल। तो आइए हम आज जानते हैं फार्माकोलॉजी के हाल ही फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं, ठीक। उसके क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, आंसर जानते हैं, ठीक। तो आप फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन ये हाल फिलहाल में 28 तारीख को 11/2022 को दिए होंगे। तो चलिए इसका देखिए, क्वेश्चन 3rd नंबर का है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से किसी चार में से किसी दो के बारे में बोलना है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से दो एक 10 नंबर एक फिर दूसरा 10 नंबर, तो दस दो को लिखने हैं तो दो मिला के 10 10 20 नंबर हो गया टोटल, ठीक। तो पहला हम जानते हैं अंडास्ट्रोम क्या होता है, ठीक। तो जो वीडियो अपने बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए जानते हैं इस अंडास्ट्रोम के बारे में। तो देखिए अंडास्ट्रोम, ठीक, अंडास्ट्रोम क्या एक तरह का क्या है, ये उल्टी वमन जो होता है या नोजिया वोमिटिंग, ये इसको क्या करता है, इसको रोकता है, इसको रोकने वाला एक मतलब मेडिसिन है। तो जानते हैं अंडास्ट्रोम, अंडास्ट्रोम क्या कहते हैं, एंटीएमेटिक ड्रग्स है, एंटीएमेटिक ड्रग्स है जो क्या तो वामन रोधी होता है, यानी उल्टी उल्टी को रोकने वाला ड्रग होता है। ये क्या करता है, कीमोथेरेपी जो कीमोथेरेपी दिया जाता है, जैसे कैंसरस में जो होता है उस कंडीशन में क्या होता है, आपको कीमोथेरेपी दिया जाता है और उस समय क्या होता है, आपको उल्टी होता है, वो उल्टी यदि वोमिटिंग होता है तो उस समय क्या करता है, इसको क्या करता है, रोकने के लिए क्या किया था, अंडास्ट्रोम का दिया जाता है, अंडास्ट्रोम। तो इसको बोलता है कीमोथेरेपिक इंड्यूसर नोसिया एंड वोमिटिंग, CINV, ठीक। इसको तो ये क्या करता है, अंडास्ट्रोम इसको रोक देता है, इसलिए कहता है, एक होता है सिस्प्लेटिन के अंदर उससे कहता है नोसिया और वोमिटिंग हो जाता है, नोसिया और वोमिटिंग को क्या करता है अंडास्ट्रोम डायरेक्ट रोक देता है, निगेटिव फेंक देता है, यानी इसको रोकने का काम करता है, ठीक। उसके बाद इसका बनते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है ये, ठीक, अंडास्ट्रोम। तो अंडास्ट्रोम कैसे वर्क करता है इसके बारे में जानते हैं। आपका जो होता है जीआईटी सेल होता है गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक का स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका जो सेल होता है, ठीक। उसके सेल में क्या होता है, उसके सेल में जो होता है एंटी कैंसर को रोकने का काम करता है। उसमें एग्जाम्पल है सिस्प्लेटिन क्या करता है, ECL जो होता है, ECL सेल एंट्रोक्रोमोफिन सेल का एक रिसेप्टर बाइंड होता है, जिसपे होता है सिस्प्लेटिन उस रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है। बाइंड होने के बाद क्या होता है, 5HT प्रोड्यूस होता है। 5HT क्या कहता है, CTZ को क्या कहता है, CTZ का फुल फॉर्म होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये कहाँ होता है, एरिया पोस्टिमा कहाँ होता है, ब्रेन में होता है एरिया पोस्टिमा, ठीक। तो वहाँ क्या करता है ये 5HT ये CTZ को उत्तेजित करता है, CTZ उत्तेजित होने से क्या करता है, ये क्या करता है, वोमिटिंग सेंटर को उत्तेजित करता है, और वोमिटिंग सेंटर उत्तेजित होने से क्या होता है, नोसिया और वोमिटिंग हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह ये तो पहला मेथड है, पहला तरीका। दूसरा क्या होता है, ये 5HT क्या होता है, वेगस नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग होता है, वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है, और वोमिटिंग सेंटर क्या करता है, नोसिया और वोमिटिंग करवा देता है इस तरह से, ठीक। तो नोसिया और वोमिटिंग हो जाता है, अब देखते हैं इसके बारे में, ठीक, ये कैसे क्या करता है। तो देखिए हम नोसिया वोमिटिंग कराता था, ठीक, तो वोमिटिंग कराता है, लेकिन ये काम वैसे वर्क कैसे करता है, ये वोमिटिंग को रोकने का काम कैसे करता है, तो चलिए इसमें देखते हैं। ये है आपका क्या करते हैं, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की कौन चीज का, सिटीजेट का पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये जो कहा होता है आपके ब्रेन में होता है सिटीजेट सेंट्रल ट्रिगर जोन होता है, ठीक। तो आपका कहता है 5HT का क्या कहता है, प्रोडक्ट है ये आपके जो है, तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में एक जी प्रोटीन लगा, तो ये है जी प्रोटीन, जी इसको 5HT3 बोलते हैं, ये 5 सब यूनिट का बना होता है, ये पेंटामेरिक नेचर होता है जिसको आयनिक चैनल बोला जाता है, ठीक है। ये 5
ST, 5ST जो प्रोडक्ट है उसको क्या कहते हैं, ये दोनों क्या कहते हैं यहाँ पे जुट जाता है अल्फा और बीटा से, अल्फा और बीटा से जुट जाता है और क्या कहते हैं इस प्रोटीन चैनल को पारगम बनाते हैं यानी डिपोलराइज कर देता है, डिपोलराइज कर देता है वैसे क्या सोडियम पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम अंदर आ जाता है, सोडियम कैल्शियम अंदर आता है जिससे मतलब मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाता है और वामन को उल्टी करा देता है। ठीक, यदि हम ओंडा स्टम लेते हैं, ओंडा सेट्रॉन लेते हैं, ओंडा सेट्रॉन लेने के बाद क्या कहते हैं ये रिसेप्टर, ये ओंडा सेट्रॉन का रिसेप्टर इस प्रोटीन है यहाँ प्रोटीन चैनल पर होता है और ये प्रोटीन चैनल क्या कहता है ब्लॉक हो जाता है यानी इसका इनहिबिट कर देता है चैनल को, तो यह क्या करता है यानी रुक जाता है, ये डिपोलराइज नहीं हो पाता और क्या कहता है मतलब वामन रुक जाता है। ठीक, तो आपका ये रहा वामन रुकने का तरह, इस तरह से इसका मैकेनिज्म करते मैकेनिज्म होता है ओंडा सेट्रॉन का, ओंडा सेट्रॉन का स्ट्रक्चर कहता है, देखिए ओंडा सेट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ये आपका ओंडा सेट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ओंडा सेट्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसका नेम होता है 9-methyl-3 बड़ी कोश छोटी कोश में 2-methyl-limidazole-1-aryl कोष्ठ बंद, मिथाइल कोष्ठ बड़ी कोष्ठ बंद 2-3-di-hydro-1-hydrocarboxazole-4-1 होता है इसका टोटल, ये नाम होता है स्ट्रक्चर का। ठीक, आप देख लेंगे नाम ये इसका दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट देखते हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या है इसका, साइड इफेक्ट है हेडेक, डिजनेसिया, मसल पेन, मसल में पेन होता है। ठीक, ड्रोविनेस, ड्रोसिनेस होता है, उसके बाद फैटिंग होता है, फैटिक होता है, उसके बाद कंस्टिपेशन हो जाता है, कंस्टिपेशन कब्ज हो जाता है, कंस्टिपेशन एब्डोमिनल पेन हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, स्किन रेसेज हो जाता है, स्किन रेसेज हो जाता है। ठीक, उसके बाद आता है आपका यूरिन रिटेंशन, यूरिन रिटेंशन होता है, पेल्पिटेशन हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, हाइपोटेंशन, ये आपके क्या इसके साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, आप देख रहे होंगे साइड इफेक्ट इसके, ये सारे साइड इफेक्ट हैं। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं ये डोजेज क्या होते हैं इसके, हाउ टू ईट गिवेन, ये कैसे लिया जाता है। ठीक, तो हाउ टू ईट गिवेन, इसको कैसे खाया जाता है, कैसे लिया जाता है, हाउ टू गिवेन, इसका टेबलेट फॉर्म में आता है, टेबलेट फॉर्म में आता है ओरल सॉल्यूशन, मुंह के द्वारा घोल जो लिया जाता है उसका सॉल्यूशन में आता है, उसके आईवी सॉल्यूशन आता है, आईवी सॉल्यूशन इंजेक्शन के फॉर्म में जो लेते हैं, टेबलेट के फॉर्म में 4 mg या 8 mg का आता है। ठीक, एक टेबलेट। ठीक, उसके बाद ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है 4 mg और पर एम एल 4 mg आता है। ठीक, ओरल सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्यूशन होता है जिसको मुंह के द्वारा पिया जाता है। ठीक, उसके बाद आईवी सॉल्यूशन में इंजेक्शन के फॉर्म में 4 mg/2 ml लिया जाता है, आईवी सॉल्यूशन आईवी पर इंट्रावेनस लिया जाता है। ठीक, तो ये रहा आपका ओंडा सेट्रॉन का पूरा आप डिटेल से जान गए होंगे, मतलब ये शॉर्ट नोट में पूछा गया था आपकी बार, तो आपको क्लियर हो गएगा, तो यदि क्लियर हो गए दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कीजिए, थैंक यू, बाय।